हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 5S टॉपिक पे। 5S जो कि अब 6S हो गया है। 6S क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका हमारे कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 5S एक जैपनीज मेथड है जिसमें वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको हाउसकीपिंग मेथड भी बोलते हैं। यह एक सिस्टम बनाता है जिसमें काम को इफेक्टिवली और सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। यह सिस्टम हर उस जगह को ध्यान पे केंद्रित करता है जहां वह होता है और कार्य के स्थल को साफ रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जैपनीज कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनसाइड और आउटसाइड से भी, वहाँ सब कुछ सिस्टम से होता है, वहाँ सब कुछ क्लीन नज़र आएगा। दोस्तों, जैपनीज जो होते हैं वो सिस्टम में बिलीव रखते हैं, वो सिस्टम के साथ काम को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, जो पहला एस होता है सॉर्टिंग, जिसका मतलब होता है छंटाई करना, इसको जैपनीज में सैरी बोलते हैं। इसका गोल होता है पहले सभी अनवांटेड मटेरियल की छंटाई करना और उसमें से जो यूजेबल आइटम है उसको रखना और बाकी मटेरियल को वहाँ से हटा देना। दोस्तों, इसका एक थंब रूल है, यदि आप किसी वस्तु को डेली यूज नहीं करते हैं तो उसको वहाँ से हटा दें। इफ़ यू डू नॉट यूज इट ऑन डेली बेसिस, थ्रो इट आउट। ये थंब रूल है इसका। इसमें आपको टूल्स, मटेरियल, मशीन सभी आते हैं। आप चाहे तो जो मटेरियल आपके यूज का नहीं है इस पर आप रेड टैग भी लगा सकते हैं ताकि सबको पता रहे कि ये हमारा यूज का मटेरियल नहीं है, जिसको आप वहाँ से बाद में हटा सकें। दोस्तों, जो हमारा दूसरा एस है सेट इन ऑर्डर, जिसको हिंदी में क्रम से लगाना बोलते हैं, इसका जैपनीज में सेट ऑन बोलते हैं, जिसमें हम आइटम को उसके जगह पर रखते हैं जहाँ से हम उसे आसानी से कलेक्ट कर सकें। मतलब ऑर्डर के हिसाब से रखना, सभी आइटम पर कुछ मार्क होना चाहिए जिससे कोई भी इसे आसानी से फाइंड कर सके। इसमें आप यह भी कर सकते हैं कि जो आइटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है उसको आप आगे रख सकते हैं। सेट इन ऑर्डर का एक गोल भी होता है, इसमें आइटम को स्टोर करने का तरीका बनाते हैं। इसके कुछ गाइडलाइन होते हैं, जैसे यदि आइटम एक साथ यूज होते हैं तो उसे एक साथ स्टोर करें, यदि कोई आइटम बार बार यूज होता है तो उसे यूजर के क्लोज रखें, मतलब उसके नज़दीक रखें, आइटम को उसी जगह पर रखें जहां से यूजर आसानी से उसे ले सके बिना बॉडी को मूवमेंट किए हुए। आइटम को क्रम के हिसाब से रखें ताकि यूजर उसको आसानी से फाइंड कर सके। दोस्तों, जो हमारा तीसरा एस होता है वो साइन होता है। साइन मतलब सफाई करना, जिसको जैपनीज में सही से बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिमूव करना उन सभी डर्ट और ग्रेम को अपने शॉप फ्लोर से। डर्ट मतलब गंदगी और ग्रेम मतलब जमी हुई वस्तु को अपने शॉप फ्लोर से हटाना होता है। शॉप फ्लोर को डेली बेसिस पे क्लीन करना भी होता है। इस 5S सिस्टम में सफाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक कल्चर होना चाहिए कंपनी के अंदर जिसमें CEO लेवल से लोअर वर्कर लेवल तक सभी सफाई को करें। कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है जहां डेली मॉर्निंग में 15 मिनट का 5S प्लान होता है, जहां पर डेली एक एरिया की सफाई की जाती है, जिसमें टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक सारे स्टाफ और वर्कर रहते हैं। सफाई और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टूल एंड मशीन आपके वर्क प्लेस की सेफ्टी को भी बढ़ाता है। दोस्तों, जो चौथा एस होता है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण, जिसको जैपनीज में सेइकेत्सु बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है अपने वर्क प्लेस को विजुअल लुक देना जिससे देखने में अच्छा लगे। इसमें हम आइटम को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जैसे आइटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए टैगिंग करना, नेम प्लेट लगाना, कलर कोडिंग करना, ETC आता है। इसमें हम मेंटेन और मॉनिटर करते हैं फर्स्ट 3S को, सभी आइटम और वहाँ पे जितने भी वस्तुएं रखी रहती है वर्क प्लेस पे, वो इजिली समझ में आए वैसा सिस्टम बनाए, अपने वर्क प्लेस को चमकीला बनाए
आपने देखा होगा वर्क प्लेस पर हम कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं वर्क से रिलेटेड, गैंगवे की कलर कोडिंग करते हैं, ये सभी मानकीकरण के अंदर आते हैं। तो इसको आप लोगों को इस तरीके से अपने वर्क प्लेस को बनाना है ताकि वो अच्छा लगे, बेहतर लगे। दोस्तों जो पांचवा एस है सस्टेन, सस्टेन मतलब बनाए रखना, इसको जैपनीज में सित्सुके बोलते हैं। इसमें हम जो फर्स्ट के फोर एस हैं हम उसको अपने हैबिट में बना देते हैं, आदत में लाते हैं, इसको हम दूसरे को भी बताते हैं कि वो अपने वर्क प्लेस को भी बेहतर बनाए। इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं जैसे कि 5S को डेली वर्क का पार्ट बनाना, दूसरा 5 से 10 मिनट डेली 5S करना होता है, तीसरा वीकली और मंथली 5S की ऑडिट करनी होती है, मंथली मंथ में एक बार मैनेजमेंट के साथ ऑडिट करना होता है जिससे वो कुछ सजेशन दे आपको कि आप अपने वर्क प्लेस को और बेहतर बनाओ इसको, इस तरीके से ये होते हैं। दोस्तों जो सिक्स एस होता है सेफ्टी, जिसको सुरक्षा बोलते हैं, यह एक चलते रहने वाला प्रोसेस है, जैसे जिसे ऑन गोइंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कोई भी प्रोसेस हो या जो भी काम होता है वो हर प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड होता है। सेफ्टी कोई भी कंपनी में क्रिटिकल रोल को प्ले करता है जिसमें हम एश्योर करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वर्क फ्लोर पे, क्या वो पूरी सेफ्टी के साथ काम करते हैं कि नहीं, क्या उनको जो सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं क्या वो इसका यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये सब एश्योर किया जाता है। जिसमें कुछ सेफ्टी आइटम होते हैं जो मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हेड हैट्स, ग्लव्स, स्टील टोए शूज, ये सब मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो कंपनी के अंदर आपको पहनने होते हैं। सेफ्टी से रिलेटेड आसानी से समझने के लिए कुछ लेबल और साइन बनाए जाते हैं ताकि लोगों को पता रहे ये सारी चीज़ें। सेफ्टी की ट्रेनिंग भी डेली बेसिस पे दी जाती है या वीकली दी जाती है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो सब सेफ्टी से रिलेटेड होता है। अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो काम को कैसे करेंगे, ये सारे चीज आपको ध्यान रखने होते हैं इन सिक्स एस के अंदर। कोई भी कंपनी में काम करते हो आप तो इसको आप अपने हैबिट में बना लो। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत जगह 5S बोला है तो प्लीज डोंट माइंड, आप उसको 6S भी समझ सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो इसको फॉलो कर रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सबका प्यार हमें मिलता रहे। धन्यवाद।